तो मैंने बिल्ड किया एक बहुत बड़ा सा एमरल्ड कैसल इन हार्डकोर माइनक्राफ्ट। ये मेरे आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है एंड सिर्फ इसको बिल्ड करने के लिए मुझे 50 आवर्स से ज्यादा टाइम लगे। तो क्या मेरी मेहनत वर्थ इट थी, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। सो हे गाइस, मैं हूं सातुक सुअर, स्वागत है तुम लोगों का एक और नए हार्डकोर सीरीज के वीडियो में। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि हमारा घर जल चुका है, जो कि कैसे जला मुझे लिटरली नहीं पता, क्योंकि यहां पर आसपास कहीं पर भी आग नहीं है, बिना फायर के भी ये जल चुका है। एनीवेज, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये लाइटनिंग की वजह से हो सकता है, जो कि लास्ट वीडियो में हुआ था। जो भी हो, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मैं लिटरली कल पूरी रात तक रोता रहा। एनीवेज, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यहाँ पे एक कैरेट फार्म बिल्ड किया था, जिससे हम लोगों को बहुत सारे कैरेट वगैरह मिल जाते हैं। एक्चुअली मैंने इसको बिल्ड किया था गोल्डन कैरेट्स के लिए, बट कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने बताया कि फार्मर गोल्डन कैरेट्स को देते हैं एंड मेरे पास एमरल्स की तो कमी नहीं है, तो जाके देखते हैं कि गोल्डन कैरेट्स फार्मर देते हैं कि नहीं। ओके गाइस, अभी मैं बहुत सारे फार्मर्स को बनाऊंगा और देखते हैं कि ये क्या देते हैं एंड मुझे इनको अपग्रेड करना है। ओके, इसको कर सकता हूँ इजिली, अभी इसको खरीदना है। एक्चुअली पाई से कितना हंगर बार बढ़ता है मुझे नहीं पता, इससे भी अच्छा खासा बढ़ जाता है। सस्पिशियस स्ट्यू दे रहा है ये, देखते हैं कि क्या मिलता है। ओके, नाइट विजन मिल रहा है, अच्छा ये भी। एंड ऑल्सो गाइस, हम लोग इनको ब्रेड वगैरह देंगे, क्योंकि मुझे वैसे भी इनकी जरूरत नहीं है एंड ये लोग ब्रीड भी करते रहेंगे, इससे हमारा फायदा हो जाएगा। ओके गाइस, अभी हम लोग सारे विलेजर्स को अपग्रेड करते हैं एक एक करके, तो हम लोग थोड़ी देर बाद मिलते हैं। So, मैंने इनमें से बहुत सारे फार्मर को मैक्स कर दिया है एंड गाइस लिटरली ये बंदे गोल्डन कैरेट्स दे रहे हैं, तो मैं सारे विलेजर से गोल्डन कैरेट्स ले लेता हूँ, देखते हैं कि कितना मिलेगा। तो विलेजर से मैंने सारे गोल्डन कैरेट्स ले लिए हैं एंड देख सकते हो कि कितने सारे गोल्डन कैरेट्स है मेरे पास, लिटरली 4 स्टैक्स है मेरे पास। तो यस, ये काम करता है, तो मैं इनको सारे ब्रेड वगैरह दे देता हूँ ताकि ये सारे ब्रीडिंग करते रहे। जितने ज्यादा विलेजर्स उतने ज्यादा फार्म, तो मैंने 60 डेज स्पेंड करके ये फार्म बिल्ड किया एंड गोल्डन कैरेट्स लेना इतना ज्यादा इजी था, मतलब मैंने इस फार्म को फोकट में बिल्ड किया। एनीवेज गाइस, कोई बात नहीं, इसका हम लोग कुछ तो यूज कर सकते हैं। कुछ भी यूज ना हुआ तो एटलीस्ट हम लोग इनको बोन मिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस, बोन मिल से मुझे याद आया कि मुझे यहाँ पे बहुत सारे केक वगैरह मिल चुके हैं इन विलेजर को मैक्स करने के चक्कर में, कुकीज और केक वगैरह मिल चुके हैं। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे अगर हम लोग इसको डाल देते हैं तो ये बोन मिल में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम लोग जल्दी से इसको यहाँ पे डाल देते हैं। लिटरली हम लोग कुछ भी बोन मिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ से विलेजर्स, बेबी विलेजर्स एस्केप कर रहे हैं। ओके गाइस, ये देखो, लिटरली इतने सारे बेबी विलेजर्स एस्केप हो चुके हैं। लाइक भाई साहब, ये कितने सारे हैं। अभी शाम हो रहा है तो शायद से सारे अंदर चले जाएंगे। लिटरली बच्चों की टोली चल रही है। सो मैं यहाँ पे एक पाथ बनाता हूँ इनको अंदर जाने के लिए। सो गाइस, मैं हर हार्डकोर सीरीज के एपिसोड में इस जगह पे 100 पोटैटोस को प्लांट करता हूँ, और अगर तुम लोग देखना चाहते हो कि ये फार्म कितना बड़ा बनता है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये फार्म बहुत ज्यादा एक्सटेंड होने वाला है एंड इस एपिसोड के लिए हम लोग जल्दी से इस फार्म में 100 पोटैटोस को प्लांट करते हैं। यस, 100 बटेटेस प्लांट हो चुके हैं एंड गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि एपिसोड 20 से मैं 200 बटेटेस को प्लांट करूंगा, ताकि हमारा फार्म जल्दी से बड़ा बन जाए। ओके गाइस, फिर से आ जाते हैं अपने आज के मिशन पे। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, अपना घर पूरा जल चुका है एंड इसको मैं फिर से यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कुछ बचा ही नहीं है एंड इसको मैं रिपेयर भी नहीं करना चाहता। सो गाइस, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं एक बड़ा सा मैंशन बिल्ड करूंगा, जो कि कम्प्लीटली बिल्ड होगा एमरल्ड ब्लॉक से। वो देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा एंड ऑल्सो हमारे पास अभी रहने के लिए घर नहीं है, तो घर तो वैसे भी हम लोगों को बिल्ड करना ही पड़ेगा। सो क्यों ना हम लोग एक बड़ा सा घर बिल्ड करते हैं एमरल्ड ब्लॉक से। ओके, सबसे पहले मुझे इसके लिए बहुत सारी चीजों को कैरी वगैरह करना पड़ेगा एंड फिलहाल के लिए मेरे पास शल्कर बॉक्सेस ज्यादा नहीं है, इसीलिए हम लोग पहले जाके शल्कर बॉक्सेस को लेके आएंगे, उसके बाद हम लोग बाकी चीजों के बारे में सोचेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोगों को जाके एंड सिटीज को लूटना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोगों को बहुत सारे फायरवर्क रॉकेट्स लगेंगे। एंड ऑल्सो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे बहुत सारे शुगर केन्स को प्लांट कर दिए थे, जिसको मैं शायद से दिखा नहीं पाया। लाइक इसको तोड़ने पे मुझे बहुत सारे मिल जाएंगे, तो देखते हैं कि कितना मिलता है। तो टोटल यहाँ पे मेरे पास इतने सारे शुगर केन्स आ चुके हैं, तो इससे हम लोग बनाएंगे बहुत सारे फायरवर्क रॉकेट्स। एंड अभी हम लोग गन पाउडर को लेते हैं, तो मेरा आइडिया है कि मैं एक फुल शल्कर बॉक्स को फिल कर दूंगा फायरवर्क रॉकेट से। ओके गाइस, उतने पेपर से सिर्फ इतने फायरवर्क रॉकेट्स बने, जो कि इनफ है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग इसको कलर कर देते हैं रेड कलर में। यस, फायरवर्क रॉकेट रेड कलर का होता है। वेट, हम लोग गोल्डन कैरेट्स को भी उसी में रख देते हैं एंड नेक्स्ट में बनाऊंगा टोटम्स के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे अपने रेड फार्म में, आगे हम लोग यहाँ से टोटम्स वगैरह को लेंगे। यस, टोटम्स की कमी नहीं है मेरे पास, कोई टेंशन नहीं टोटम्स की। सो ये रहेगा टोटम का शल्कर बॉक्स। सो इसको हम लोग कलर कर देते हैं येलो में, क्योंकि येलो मतलब टोटम का कलर होता है, वो गोल्ड होता है, बट ठीक है। एंड इसको हम लोग नेम कर देते हैं।
भाई साहब ये हमेशा होता है मेरे साथ, इवन तो मैं इस घर को छोड़ के जाने वाला हूँ बट फिर भी ये हो रहा है मेरे साथ। भाई चैन ही नहीं है कहीं पर भी। इसको हम लोग नाम देंगे इमोर्टल बॉक्स में, क्योंकि इसमें टोटम्स हैं तो ये आयरोनिक है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? एंड अपने फायरवर्क वाले शल्कर बॉक्स को हम लोग ये नाम देंगे यस फ्लाइंग सातुक्सु, सेंस बनाती है। यस तो चलते हैं, अभी हम लोगों को बहुत ज्यादा और भी काम है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे एंड वर्ल्ड में शल्कर बॉक्सर्स को लेके आने के लिए, एंड यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। नाइस। एक्चुअली जब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे तब हम लोगों को एंड सिटी मिलने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था, बट इस बार हमारे पास इलाइट्रा है तो जल्दी से हो जाना चाहिए। ओके ये रहा एक एंड सिटी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ। ओके यहाँ पे मैं नहीं आया हूँ। अच्छा है, जाके जल्दी से एक इलाइट्रा और ले लेते हैं, सेकेंडरी इलाइट्रा। यहाँ से हम लोग ड्रैगन की खोपड़ी लेंगे ऐसे। मैं यहाँ पे शल्कर शेल्स के लिए आया हूँ तो देखते हैं कि इससे हम लोग को कितने शल्कर शेल्स मिलेंगे। इस एंड सिटी से मुझे सिर्फ 3 शल्कर शेल्स मिले, कतई यूजलेस एंड सिटी था। कोई बात नहीं, चलते हैं एक और फाइंड करते हैं। ओके एक और एंड सिटी जिसमें एंड शिप नहीं है, कोई बात नहीं। तो गाइस यहाँ पे शल्कर्स तो हैं, बट तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे गेटवे पोर्टल भी है, तो अगर मैं एक शल्कर फार्म बिल्ड करूंगा तो शायद से मैं वहां से ओके यहाँ पर एक और एंड सिटी है तो वहां से मैं शल्कर शेल्स को लेके आ सकता हूँ, यहाँ से भी लेके आ सकता हूँ। फिलहाल के लिए हम लोग शल्कर फार्म बिल्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट कभी हम लोग करेंगे तो यहाँ से हम लोग शल्कर को लेके जा सकते हैं। एनीवेज यहाँ से मैं चला जाता हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे शल्कर को मारना नहीं है, बिकॉज मुझे शल्कर फार्म बिल्ड करने के लिए फ्यूचर में चाहिए होगा। एक और एंड सिटी में चलते हैं जो कि दूर होगा। ओके एक और एंड सिटी शायद से, तो जल्दी से जाके इस नल्ले को मारते हैं। भाई साहब इतने सारे अच्छे अच्छे आर्मर वगैरह कैसे दे देते हैं ये। तो अभी हम लोग शल्कर्स को मारना स्टार्ट करते हैं। तो इस ट्रिप के बाद मेरे पास टोटली है 36 शल्कर शेल्स, जिसे 18 शल्कर बॉक्सेस बन जाएंगे। बहुत बढ़िया गाइस। नेक्स्ट मुझे चाहिए एक बीकन। तुम लोग सोच रहे होगे कि बीकन क्यों चाहिए। एक्चुअली इसके दो रीजंस हैं। एक तो इसके लिए मुझे बहुत सारे एमरल्ड ब्लॉक्स चाहिए, तो इसके लिए मुझे अपने रेड फार्म में बहुत ज्यादा टाइम तक AFK करना पड़ेगा, सो रीजनरेशन का इफेक्ट मुझे चाहिए होगा। एंड एक और रीजन है हेज टू इफेक्ट के लिए। मैं बीकन का हेज टू इफेक्ट यूज करके बहुत सारे स्टोन्स को माइन कर सकता हूँ जो कि मुझे अपने मैंशन बनाने के लिए चाहिए, तो इसीलिए हम लोग पहले जाके बिदर स्कल्स इकट्ठे करते हैं एंड उसके बाद हम लोग एक बीकन बनाएंगे। अभी बनेगी बहुत सारे शल्कर बॉक्सेस, इसको हम लोग इसके अंदर रखेंगे। एंड यस अपना सेटअप बन चुका है, तो मेरे हिसाब से अपना नेदर फोर्ट्रेस यही कहीं पर तो होना चाहिए। ओके गाइस ये रहा अपना नेदर फोर्ट्रेस जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है। सो अभी हम लोग विदर को स्ले करने का काम स्टार्ट करते हैं। ये मिला अपना फर्स्ट विदर स्केलेटन स्कल। तो गाइस 3 विदर स्कल्स इकट्ठे हो चुके हैं। एक्चुअली बहुत ज्यादा जल्दी हो गया, सिर्फ 20 विदर स्केलेटन्स को मारे हैं मैंने, तो यह बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो अभी हम लोग चलते हैं और विदर को मारते हैं। ये रहा थोड़ी सी सोल सैंड, इसको लेकर हम लोग नेदर रूफ के ऊपर चलते हैं, वहां पे हम लोग विदर को मारेंगे। सो सबसे पहले चेस्ट प्लेट पहनते हैं, ये जरूरी है। एंड यस बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, इसको यहाँ पे ऐसे करके लगाएंगे एंड थोड़ा दूर जाएंगे क्योंकि अभी एक एक्सप्लोशन होगा। एंड यस ऐसे करके 2 सेकंड में विदर खत्म। एक्चुअली 2 सेकंड नहीं, शायद से 10 सेकंड लगे होंगे। तो लेट्स गो अपने घर चलते हैं। गाइस लिटरली यहाँ पे देखो कि कितने सारे विलेजर्स हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। सो ये रहा अपना इस वर्ल्ड का फर्स्ट बीकन, ये रहा। एंड इसको पावर अप करने के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आयरन भी है एंड एमरल्ड्स भी है, किसी से भी मैं पावर अप कर सकता हूँ। ओके ये रहे बहुत सारे आयरन। नेक्स्ट हम लोग को जाना है अपने आज का इम्पोर्टेंट काम करने के लिए जो कि होगा एमरल्ड्स को कलेक्ट करना। फिलहाल के लिए मेरे पास इतने एमरल्ड्स हैं, मेरे घर में। तो अभी हम लोग अपने रेड फार्म में चलते हैं। सो ये रहा अपना रेड फार्म। इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ चीजें करनी है। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी एमरल्ड्स हैं उनको मैं ब्लॉक्स में कन्वर्ट करूंगा ताकि जो नए एमरल्ड्स आएंगे उनको मैं इजीली स्टोर कर पाऊं। ये बने अपने एमरल्ड्स के ब्लॉक्स, इसको मैं स्टोर कर देता हूं एक शल्कर बॉक्स में। वेट गाइस उससे पहले हम लोग एक बीकन को बिल्ड करेंगे रीजनरेशन वाला। ओके ये बन चुका है अपना फर्स्ट बीकन इस वर्ल्ड का, रीजनरेशन और स्ट्रेंथ 1। अभी हम लोग अपने एमरल्ड्स को ब्लॉक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
सो अभी मैंने सारे एमरल्ड ब्लॉक्स को अपने शल्कर बॉक्स में भर दिया है। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि कितने एमरल्ड ब्लॉक्स बने। यस, ये एंटायर शल्कर बॉक्स फुल हो चुका है एंड ये शल्कर बॉक्स ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। तो टोटली ऑलमोस्ट 2 शल्कर बॉक्स है, जो कि मेरे कैसल के लिए इनफ होने वाला है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मोस्टली ये काफी नहीं होगा क्योंकि ये कैसल बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। एनीवेज गाइस, मुझे लगता है कि अभी हम लोग इस रेड फार्म को स्टार्ट करेंगे एंड ये वाला स्वॉर्ड चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फायर एस्पेक्ट 2 नहीं है। अभी पिलेजर कैप्टन को फाइंड करने का टाइम है, जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल होने वाला है क्योंकि पिलेजर कैप्टन इजिली मिलते नहीं है। ओके, फाइनली एक कैप्टन को मार दिया है मैंने, लिटरली बहुत ज्यादा टाइम लगा। तो यस गाइस, अभी इसी के साथ अपना रेड स्टार्ट हो जाएगा। तो यस गाइस, अभी रीजनरेशन का पावर भी काम कर रहा है, तो यहाँ पे AFK करते हैं थोड़े बहुत टाइम तक एंड मिलते हैं थोड़ी देर बाद। वेल गाइस, आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा हो चुका है, मैंने एक्चुअली कैलकुलेट नहीं किया। तो अभी हम लोग यहाँ से जल्दी से चले जाते हैं, मोस्टली यहाँ पे बहुत सारे एमरल्स ऑलरेडी कलेक्ट हो चुके होंगे। तो अभी देखते हैं कि कितने शल्कर बॉक्सेस भरते हैं। सो जल्दी से मैं इनको ब्लॉक्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फाइनली मैंने सारे एमरल्स को एमरल्ड ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया है। सो टोटली अभी मेरे पास है 4 शल्कर बॉक्सेस फुल ऑफ एमरल्ड ब्लॉक्स। तो मुझे नहीं पता कि अपने कैसल के लिए इनफ है कि नहीं, बट अगर ये इनफ नहीं होगा तो हम लोग फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। ऑल्सो मुझे इसके लिए और भी चीजें चाहिए, जैसे मैंने बताया इसके लिए मुझे बहुत सारे स्टोन ब्रिक्स वगैरह चाहिए, उनको भी हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। वैसे मुझे ये कलेक्शन सिस्टम थोड़ा सा चेंज करना है, तो जल्दी से मैं इसको चेंज कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद फाइनली मैंने इसका स्टोरेज सिस्टम थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इससे क्या होगा कि सारे एमरल्स नीचे आएंगे, नीचे से भरकर ऊपर जाएंगे। पहले रैंडम चेस्ट में होते थे, तो अभी ये थोड़ा सा बेटर है। तो यस, अभी हम लोग यहाँ से जाते हैं। जाते टाइम मैं बीकन को भी लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे इसकी भी जरूरत है। सबसे पहले गाइस, हम लोग अपने कैसल के लिए एक जगह डिसाइड करते हैं। अभी मुझे इस कैसल को बिल्ड करने के लिए एक जगह को फाइंड करना था। मैं इसको अपने स्पॉन पॉइंट पे बिल्ड नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके बायोम्स मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, तो इसीलिए मैं अपने कैसल को एक नॉर्मल से प्लेन्स वाले बायोम में बिल्ड करना चाहता था एंड इसके लिए एक परफेक्ट जगह को फाइंड करने के सफर में मैं निकल गया। तो गाइस, फाइनली मुझे एक ऐसा जगह मिल चुका है जिसके लिए मैं 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम से ढूंढ रहा था। यहाँ पे देख सकते हो कि एक प्लेन जगह है, इवन तो ये बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है, बट कोई नहीं। सो फिलहाल के लिए इस जगह पे हम लोग अपना एक एमरल्ड का कैसल बिल्ड करेंगे, तो यहाँ पे ओशन के साइड में अच्छा लगेगा। उससे पहले मुझे इस जमीन को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, तो जल्दी से हम लोग इस जमीन को टेराफॉर्म करते हैं एंड एक फ्लैट जमीन बना देते हैं जहाँ पे हम लोग अपने कैसल को बिल्ड कर पाएंगे। वेट, उसके लिए मैं शायद से यहाँ पर बीकन सेटअप करूंगा, इससे ये काम बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ये आएगा हेस्ट इफेक्ट, बहुत बढ़िया। सो मैं जल्दी से इसको करता हूं, तब तक तुम लोग इसका टाइम लैप्स देखो। फाइनली मैंने यहाँ पे टेराफॉर्मिंग कर दिया है एंड यहाँ पे एक प्लेन लैंड बना दिया है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे प्लेन लैंड अच्छे लगते हैं घर वगैरह बनाने के लिए। उसके बाद मुझे बहुत सारे स्प्रूस वुड भी चाहिए थे इस बिल्ड के लिए, तो मैंने जाकर थोड़े से स्प्रूस वुड को भी तोड़े। सो गाइस, ये रहे 3 डबल चेस्ट ऑफ स्प्रूस वुड लॉक्स। अभी हम लोग को ओक लॉक्स भी चाहिए, सो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ओक को मैं यही से तोड़ दूं ताकि ये जगह भी क्लियर हो जाएगा और मुझे ओक वुड भी मिल जाएंगे। वैसे भी मुझे इस जगह को क्लियर करना था। उससे पहले मुझे बहुत सारे सैपलिंग्स मिले हैं, इनको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अगर मुझे वुड की कमी हो जाएगी तो मैं यही से निकाल लूंगा। एक्चुअली अभी यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं मैं उनको तोड़ने वाला हूँ ताकि ये जमीन भी क्लियर हो जाए, इससे ये थोड़ा सा क्लीन लगेगा। तो जल्दी से मैं इसे करता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने 1 शल्कर बॉक्स ओकवुड को कलेक्ट कर लिया है एंड ऑल्सो यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा ओकवुड लगा दिया है। जो सारे मुझे सैपलिंग्स मिले थे वो यहाँ पे लगा दिया है मैंने, जिसे यहाँ पे पेड़ ग्रो होता रहे और चाहे तो मैं यहाँ से तोड़ सकता हूँ। बट अभी हम लोग अपने बिल्ड के लिए एक और मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, जो की है स्टोन्स, जिससे हम लोग स्टोन ब्रिक वगैरह बना सकते हैं। एंड स्टोन को मैं माइन करने वाला हूँ इस जगह से, बिकॉज मुझे इस जगह को थोड़ा सा टेराफॉर्म करके नीचे करवाना है, तो यहाँ से हम लोग स्टोन को माइन करेंगे तो अच्छा रहेगा। एनीवेज, उसके लिए मुझे एक बीकन चाहिए, तो हम लोग इस बीकन को यहाँ से निकाल देते एंड ये हो चुका है ये हेज 2 से पावर अप। अभी यहाँ से हम लोग बहुत सारे स्टोन्स और डर्ट कलेक्ट करेंगे जो कि हमें इस बिल्ड में चाहिए।
ओके गाइस, एक गलती हो चुकी है। मैंने गलती से अपने पिकैक्स को तोड़ दिया। मेरी सिल्क टच वाली पिकैक्स टूट चुकी है। मैंने पता नहीं क्यों इसके बारे में ध्यान नहीं दिया। ये सेकंड टाइम है कि मैं अपने पिकैक्स को तोड़ रहा हूँ। बुरा लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा। ऑल्सो गाइस, दो डबल चेस्ट फुल स्टोन कलेक्ट हो चुके हैं। बट अभी हम लोग अपने घर जाते हैं और एक और पिकैक्स को क्राफ्ट करते हैं। गाइस ये देखो, यहाँ पे कितने सारे विलेजर्स बन चुके हैं। कते ही विलेजर्स का सेना बन चुका है। उसके बाद मैंने अपने एन्चेंटमेंट टेबल की हेल्प से और थोड़े से पिकैक्सेस वगैरह कंबाइन करके एक मैक्स सिल्क टच का पिकैक्स बनाया। फिर मैंने अपने टूल्स को भी रिपेयर करे। सो अभी हम लोगों को अपने पिकैक्स को नेदरराइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस, ये बहुत ज्यादा बोरिंग सा काम है, बट हम लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि डायमंड का पिकैक्स का ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होता है। तो देखते हैं कि मेरे पास नेदरराइट है कि नहीं। ओके, ये रहा एक एंशिएंट डेब्रिस एंड ये रहे दो नेदरराइट स्क्रैप्स। आई मीन अभी हम लोगों को सिर्फ एक एंशिएंट डेब्रिस चाहिए या फिर एक नेदरराइट स्क्रैप चाहिए। ज्यादा मेहनत की बात नहीं है। तो अभी हम लोग नेदर में जाते हैं एंड शायद से हम लोगों को जल्दी से एक एंशिएंट डेब्रिस मिल जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। मैंने एक्चुअली यहाँ पर एक बैस्टियन देखा था, तो बैस्टियन में शायद से हम लोगों को इजीली मिल सकता है एंशिएंट डेब्रिस। ओके, ये रहा वो बैस्टियन। बट फिलहाल मेरे पास अपना चेस्ट प्लेट नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। वेट, यहाँ पर मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ। मोस्टली ये दो नेदरराइट स्क्रैप वहीं से है। ओके, एक और बैस्टियन है गाइस यहाँ पे एंड ये बहुत बड़ा बैस्टियन है। ऑब्वियसली ये भी सेफ नहीं होगा। एंड गाइस ये है बड़ा वाला बैस्टियन, इसमें बहुत ज्यादा लूट होती है, मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। ओके, वहां पर एक चेस्ट है, वहां पे हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा टाइम तक मैग्मा क्यूब्स वगैरह को मारा एंड उसके स्पॉनर को तोड़ा। नीचे तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगा, बट फाइनली मैं पहुंच गया। ओके गाइस, फाइनली मुझे एक एंशिएंट डेब्रिस और एक नेदरराइट मिल चुका है। भाई कितना टाइम लगा मुझे यहाँ तक आने में। तो अभी हम लोग इस सारे गोल्ड को ले लेते हैं। मैं एक्चुअली गोल्ड के लिए इतना एक्साइटेड नहीं हूँ। बाकी यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं था, बट एंशिएंट डेब्रिस था एक। एंड अभी हम लोग अपने पिकैक्स को नेदरराइट में कन्वर्ट करेंगे एंड ये मिला था मुझे एक बैस्टियन में। बहुत बढ़िया। एंड गाइस अपने बो को भी रिपेयर कर देते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट टूटने को हो चुका है। ओके, एक नया बो बन चुका है। ओके, अपना काम कंप्लीट हो चुका है, चलते हैं यहाँ से। अभी टाइम है मेरे लिस्ट के लास्ट चीज को कलेक्ट करने का, जो कि है थोड़े से डीप स्लेट। यस, डीप स्लेट। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इस बीकन को लेके जाते हैं यहाँ से। मेरे पास एक्चुअली एक आइडिया है, यहाँ से हम लोग सीधा नीचे चलते हैं। ओके, ये है डीप स्लेट वाले केव्स। ओ, डायमंड है यहाँ पे। हम लोग एक्चुअली और भी नीचे चलते हैं। अभी हम लोग माइन करेंगे -53 पे। एक्चुअली ये करने से मुझे डीप स्लेट भी मिल जाएंगे और डायमंड्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग अपना बीकन भी सेटअप करेंगे। ठीक है, अपना बीकन पावर अप हो चुका है एंड ये रहे और थोड़े डायमंड्स। तो गाइस जल्दी से मैं कॉबल डीप स्लेट को कलेक्ट करता हूँ। तो गाइस ये रहे दो शल्कर बॉक्सेस डीप स्लेट एंड यहाँ पे बहुत सारे टफ वाले ब्लॉक्स भी है। तो अभी हम लोग पैकअप करके यहाँ से जा सकते हैं और मुझे 35+6 डायमंड्स भी मिले। तो ये माइनिंग का ट्रिप थोड़ा सा अच्छा था। तो अभी बिल्ड करने के लिए सारी चीजें कलेक्ट हो चुकी है। आई मीन जितने मैंने सोचे थे उतने सारे हो चुके हैं। अगर हम लोगों को और भी जरूरत पड़ेगी तो जाके लेके आएंगे। एनीवेज फिलहाल के लिए इतने चीजें काफी है, बहुत ज्यादा चीजें कलेक्ट कर लिए। तो गाइस कैसल को बिल्ड करने से पहले उसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा कि वो कैसे लगने वाला है। तो वो मैं करने वाला हूँ डर्ट से, क्योंकि इसको इजीली निकाला जा सकता है। एंड गाइस ये देखो, कतई सुपर फ्लैट लग रहा है ये वर्ल्ड, मस्त लग रहा है ये। तो गाइस जल्दी से मैं एक कैसल का स्ट्रक्चर बना देता हूँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो फाइनली ये बन चुका है अपने कैसल का स्ट्रक्चर। यस, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, सिर्फ इसे बिल्ड करने में मुझे 1 घंटे से ज्यादा लगा। लाइक तुम लोग इसको देख के बता सकते हो कि ये कितना ज्यादा एपिक होने वाला है, लाइक बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है ये। तो यहाँ पर डायरेक्टली एमरल्ड ब्लॉक्स रखना अच्छा नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक फाउंडेशन टाइप बनाऊंगा डीप स्लेट वाले ब्लॉक्स से। इससे थोड़ा सा डेप्थ ऐड हो जाएगा एंड शायद से कैसल दिखने में अच्छा लगेगा इससे। देखते हैं कि ये कैसा लगता है। तो जल्दी से मैं एक फाउंडेशन टाइप बिल्ड करता हूँ। तो यह सभी तुम लोग देख सकते हो कि ये थोड़ा सा डेप्थ ऐड कर रहा है, इसे ये थोड़ा सा निखर के आ रहा है अगर ये सेंस बनाया तो। मैं सोच रहा हूँ कि ये फाउंडेशन को 3 ब्लॉक्स हाई बनाया जाए ऐसे करके, उसके ऊपर से हम लोग एमरल्स के वॉल बनाएंगे, तो मोस्टली वो फाउंडेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगेगा। सो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे जो डर्ट है उसके ऊपर मैं ऐसे करके प्लैंक्स लगाऊंगा, इससे बहुत सारे एमरल्स के ब्लॉक बचेंगे एंड इसके ऊपर आएंगे एमरल्स के ब्लॉक्स।
एंड यस, ये फाउंडेशन की वजह से ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही सारी जगहों पे ये फाउंडेशन ऐड करता हूँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अभी मैंने ऑफ कैमरा इसके वॉल्स बिल्ड करे एंड वो कुछ ऐसा लग रहा है। यस, कम्प्लीटली कवर कर दिया है मैंने, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो पूरा ग्रीन ग्रीन लग रहा है। तो ये जो है ये अपने कैसल के वॉल्स हैं, ये मेन बिल्डिंग नहीं है। ये जो यहाँ पे आउटलाइन बना है ग्रास का, यहाँ पे मेन बिल्डिंग होने वाला है। बट उसे बिल्ड करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं पाथवेज बनाऊं जिसके थ्रू वॉल्स के ऊपर इजीली ट्रैवल किया जा सकता है। एंड ऑल्सो एक और चीज ये है कि वॉल्स के अंदर भी मैंने कुछ बनाया है, लाइक यहाँ पे देख सकते हो स्पेस है, तो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। कहते हैं विलेजर्स को किडनैप करके रख सकते हैं वॉल के अंदर भी। तो जैसे मैंने बताया अभी टाइम है वॉल्स के ऊपर पाथवेज को बिल्ड करने का, तो उसके लिए मैं थोड़े से डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स को यूज करने की कोशिश करूंगा, देखते हैं कि यह कैसा लगता है। ओके, अभी यहाँ पे मैं ओक के लॉक्स लगाऊंगा ऐसे करके। इसको मैंने वुड में कन्वर्ट किया है जो कि थोड़ा सा स्मूथ लगता है। एंड यहाँ पर हम लोग स्प्रूस प्लैंक्स लगाएंगे। इसको मैं स्लैब्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट कोई बात नहीं क्योंकि मेरे पास स्प्रूस वुड की कमी नहीं है, तो स्लैब्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। यहाँ पर बाहर के साइड ऐसे करके ये लगाऊंगा मैं। यहाँ पर आएंगे स्टेयर्स ऐसे करके, जिससे थोड़ा सा डेप्थ ऐड हो जाएगा अगर ये सेंस बना रहा है तो। यहाँ पर आएंगे ये वॉल्स, देखते हैं कि यह कैसा लगता है। ओके, तो मुझे ये वाला डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, सो मैं ये सेम चीज को यहाँ पे कॉपी करूंगा एंड सारे वॉल्स की जगह पे ये लगा दूंगा, देखते हैं कि कैसा लगेगा। ऊपर का जो ये बनाना था उसको मुझे आधा ही रोकना पड़ा बिकॉज मेरे एमरल्स खत्म हो चुके थे यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर एक टावर बनाना चाहता था बट मेरे एमरल ब्लॉक्स खत्म हो चुके हैं। तो इसका मतलब तुम लोगों को पता होगा कि अभी क्या होने वाला है। अभी हम लोगों को फिर से जाके एमरल्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक लिटरली सिर्फ इतना बनाने में मुझे 4 शल्कर बॉक्सेस ऑफ एमरल्स लगे। तो तुम लोग सोच सकते हो कि पूरा कैसल बनाने में कितना एमरल्स लगेंगे। एंड एक और चीज ये है कि मेरे 500 डेज हो चुके हैं, 520 हो चुके हैं, एंड मुझे लगता है जब तक ये कैसल कम्प्लीट होगा तब तक 600 डेज भी हो जाएंगे। लिटरली बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है ये। तो अभी हम लोग चलते हैं एमरल्स को इकट्ठे करने में। तो मोस्टली अगर मैं यहाँ पे जाके अभी अटैक करूंगा तो रेड कंटिन्यू होना चाहिए। यस गाइस, अभी मैं यहाँ पे AFK करता हूँ थोड़ी देर तक, देखते हैं कि कितने एमरल्स इकट्ठे होते हैं। आई थिंक गाइस इतना AFK करना काफी है, ऊपर से मेरी हालत ठीक नहीं है अभी। तो गाइस आई थिंक 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक मैंने यहाँ पे AFK किया, देखते हैं कि कितना एमरल्स हुआ। एंड ऑल्सो गाइस मेरा 300 लेवल्स हो चुका है जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। सो इस फार्म में हम लोगों को XP भी मिलता है, बहुत ज्यादा XP भी मिलता है। एनीवेज गाइस जल्दी से इनको ब्लॉक्स में कन्वर्ट करते हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो सारे एमरल्स को ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने के बाद अब यहाँ पे 3.5 शल्कर बॉक्स ऑफ एमरल ब्लॉक्स हैं, तो ये आधा भरा है एंड बाकी सब कुछ फुल हो चुका है। तो 3.5 काफी है कि नहीं मुझे नहीं पता, अगर कम पड़ जाएगा तो वापस आ जाएंगे। बाकी मैं अपना बीकन लेके जाता हूँ क्योंकि मुझे H2 का इफेक्ट शायद से चाहिए होगा। ओके, तो आ चुके हैं हम लोग अपने एमरल पैलेस वाले जगह पे। एंड अभी जो हमारे पास एमरल ब्लॉक्स के स्टॉक वापस आ चुके हैं, तो हम लोग इसके वॉल्स को बिल्ड करना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये रहा अभी तक का प्रोसेस जो कि मेरे हिसाब से अच्छा लग रहा है। बट अभी एक प्रॉब्लम हो चुका है, अभी फिर से मुझे एमरल्स की कमी पड़ चुकी है। तो तुम लोगों को पता होगा कि अभी हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं। एंड अपना बीकन भी चाहिए मुझे, यहाँ पे मैंने सेट किया अपना बीकन। तो मोस्टली यहाँ पे रेड अभी खत्म हो चुका है, इसीलिए हम लोगों को जाके एक पिलेजर कैप्टन को मारना है। ओके, ये रहा एक कैप्टन।
एंड यस गाइस, अभी मैं यहाँ पे AFK करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने शायद से 3 घंटे से लेकर 4 घंटे तक AFK किया एंड इसकी वजह से यहाँ पे मेरा XP बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। फाइनली यहाँ पे 486 लेवल्स हो चुके हैं जो कि आज तक का मेरा हाईएस्ट है एंड अभी मैं 500 कर सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इसके लिए मुझे अभी भी 20 मिनट से ज्यादा लगेंगे, तो इसीलिए मैं नहीं करूंगा, कभी और कर लेंगे। तो या अभी यहाँ से चलते हैं एंड यस, अभी देखते हैं कि कितने एमरल्स हैं। फर्स्ट वाले रो में सारे चेस्ट फुल हो चुके हैं, नाइस। सेकेंड में भी फुल हो चुके हैं, थर्ड में भी, ओके। फोर्थ में फुल नहीं हुआ है, तो अभी हम लोग इनको ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने की सफर स्टार्ट करते हैं। सो टोटल यहाँ पे हो चुके हैं ऑलमोस्ट 9 शल्कर बॉक्सेस ऑफ एमरल्ड ब्लॉक्स। ये शायद से फुल नहीं है, ये ऑलमोस्ट फुल होने वाला था, बाकी सब कुछ फुल है। तो टोटल यहाँ पे 9 शल्कर बॉक्सेस है, तो इनको लेके चलते हैं। मुझे ऑब्वियसली इतने नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, बट फ्यूचर में एक ऐसा प्रोजेक्ट आने वाला है जिसके लिए मुझे ये चाहिए होगा। अगर तुम लोगों को वो देखना है तो तुम लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो गाइस अपना प्रोग्रेस यहाँ तक आ चुका है, यस ये ऑलमोस्ट बन चुका है, कुछ डिटेलिंग करना बाकी है, तो अभी हम लोग डिटेलिंग में ध्यान देंगे। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जो टावर्स है इसके ऊपर को मैं कवर कर दूंगा ऐसे करके एंड डिजाइन में सेम यही रखूंगा क्योंकि ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैंने यहाँ पे ऊपर से सारी चीजों को कवर कर दिया है, तो ये रहेंगे वॉच टावर्स, यहाँ से हम लोग एनिमीज के ऊपर नजर रखेंगे। तो अभी मेरा आइडिया है इसके वॉल्स को थोड़े से डेकोरेट करने का, क्योंकि ये प्लेन लग रहा है एंड इतना कुछ अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, तो इसीलिए हम लोग इसको डेकोरेट करेंगे, थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे दिखने में। तो सबसे पहले ये दो वॉल्स को करते हैं, देखते हैं कि ये कैसा लगता है। एंड ऑफकोर्स हर बार की तरह इस बार भी हम लोग यही ब्लॉक्स यूज करेंगे, डीप स्लेट वाले, पता नहीं क्यों मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। यस, मुझे ये डिजाइन अच्छा लग रहा है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ थोड़ी देर बाद। तो इसी को मैंने यहाँ पर भी रिपीट कर दिया है एंड या मुझे ये अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे देखने पर ग्रीनरी थोड़ा सा कम लग रहा है एंड ऐसा लग रहा है कि वॉल्स को नेदरराइट का आर्मर पहना दिया गया है, जो कि एक्चुअली अच्छा लग रहा है क्योंकि वरना सिर्फ ग्रीन बोरिंग सा लगने लगता। सो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर भी मैं वही करूँ। सो अभी मुझे यहाँ पर भी कोई डिजाइन करना है, तो इसके लिए मेरे पास बहुत ज्यादा अच्छा आइडियाज नहीं है क्योंकि ये सीधा वॉल नहीं है, ये स्लैंट है, तो इसमें ज्यादा कुछ डिजाइनिंग नहीं कर सकता, मैं इसको ऐसे ही रहने देता है। तो यहाँ पर मैंने इंटीरियर के
लिए कुछ डिजाइन बनाए हैं। तो तुम लोग को समझ आ चुका होगा यहाँ पे स्टेयर्स होंगे जो कि इस तरफ जाएंगे और इस तरफ जाएंगे, जो कि टिपिकल मैंशन वाला लेआउट होता है। बट यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम है, एंड वो प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली इसके ऊपर भी एक फ्लोर है एंड यहाँ पर भी एक बड़ा सा रूम है। तो मैं सोच रहा हूँ कि फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं एक स्टोरेज रूम बनाता हूँ ताकि हम लोग के पास जितने भी चीजें हैं वो इजिली यहाँ पे स्टोर हो सके। तुम लोग देख सकते हो ये बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इजिली यहाँ पर मैं आइटम्स को स्टोर कर सकता हूँ। वेट गाइस, मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर से मैं एक पाथवे बनाऊंगा जो कि अपने बैकयार्ड पे जाएगा, यहाँ से मैं शायद से ऊपर के लिए एक स्टेयरकेस बना सकता हूँ। तो अगर यहाँ पर ऐसे होगा तो यहाँ पर से मैं एक स्टेयरकेस बना सकता हूँ ऊपर के लिए। तो अभी हम लोग इन इंटीरियर्स को प्रैक्टिकल शेप देते हैं। मेरे हिसाब से ये स्टेयर्स स्प्रूस वुड का अच्छा रहेगा, तो ये सभी यहाँ पे मैं स्टेयर्स को लगाता हूँ। ऑल राइट, इंटीरियर बन चुका है एंड ये रहा, ये रहा इसका इंटीरियर। कुछ भी नहीं किया इसमें मैंने यहाँ पे एक स्टेयर लगा दिया है। यहाँ से हम लोग ऊपर जा सकते हैं ऐसे करके, एंड ऊपर भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। एंड ये रहा इसका ऊपर जाने का रास्ता। यहाँ पर एक और रूम है, तो यहाँ पर हम लोग स्टोरेज वगैरह कर सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ पर मैं छोटे छोटे रूम्स वगैरह बना सकता था बट वो इतना कुछ फायदे का नहीं रहता। बट यहाँ पर मैं विलेजर्स को रखने वाला हूँ बहुत ज्यादा। अभी मैं अपने सीलिंग को कॉन्क्रीट में कवर कर दूंगा क्योंकि वो अच्छा लगता है। So, अभी हम लोग ऊपर वाले फ्लोर में चेस्ट लगा देते हैं यहाँ पर बहुत सारे। यस, ये बनी बहुत सारे चेस्ट, इसको हम लोग यहाँ पर डालते हैं, देखते हैं कि कैसा लगेगा। तो यस, ये रहा एक ऑसम सा चेस्ट रूम, बहुत ज्यादा सुंदर। एक्चुअली ये मैंने ऐसे ही मजाक में बनाया है। तो अभी मैं कैसल में थोड़े से विंडोज को ऐड करना चाहता हूँ, बिकॉज जैसे कि तुम लोग देख सकते हो इसमें विंडोज बहुत ज्यादा कम है। तो यस, हम लोग विंडोज वगैरह ऐड करके इसको थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ग्लासेस होने चाहिए। यहाँ पर मैंने रैंडमली थोड़े बहुत जगहों पर विंडोज लगा दिए, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। सो यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत विंडोज लगा दिए हैं जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। बाकी ये कैसल का स्ट्रक्चर बन चुका है, इससे ज्यादा चेंजेस मैं इसमें नहीं करना चाहता। पहले मुझे यहाँ पे थोड़े से लाइट्स ऐड करने हैं बिकॉज बहुत सारे मॉब्स स्पॉन हो रहे हैं। फिर मैंने अपने कैसल के अंदर लैंटर्न्स वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया ताकि ये लाइट अप हो जाए और यहाँ पर मॉब्स स्पॉन ना हो जाए। एंड इस टाइम में मैंने शेडर्स का भी यूज किया जिसकी वजह से मुझे डार्क जगह इजिली दिख रही थी, तो मैंने वॉल्स के ऊपर भी बहुत सारे लैंटर्न्स वगैरह लगा दिए। तो अभी मुझे यहाँ पे पाथवेज बिल्ड करने हैं, तो मुझे जो भी रैंडम ब्लॉक्स दिखेंगे वो लगा दूंगा मैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े से लैंप वगैरह लगा दिए ताकि यहाँ पे थोड़े से लाइटिंग आ जाए। बाकी अपने कैसल के राइट यार्ड की तरफ मैंने एक पाथवे बनाया, वहां पर भी मैंने सेम लीव्स वगैरह लगाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक पॉन्ड बनाना स्टार्ट कर दिया जो कि बहुत ज्यादा छोटा सा पॉन्ड था, एंड इसको बनाना बहुत ज्यादा इजी था। एंड यस, ये मेरा पॉन्ड बन चुका था। उसके बाद लेफ्ट यार्ड की तरफ मैंने एक पाथवे बिल्ड किया, लेफ्ट साइड में मैंने एक फाउंटेन बिल्ड किया जो कि बहुत ज्यादा सिंपल सा फाउंटेन था। बाकी मैंने थोड़े से आर्टिफिशियल ट्रीज वगैरह ऐड करे। एंड यस, डे 600 तक मेरे कैसल कंप्लीट हो चुकी थी। बट अभी मेरा नेक्स्ट टास्क था विलेजर्स को लेके आने का। तो सबसे पहले मैंने अपने कैसल तक एक नेदर रूफ पाथवे बनाया क्योंकि नेदर से विलेजर्स को लेके आना बहुत ज्यादा इजी था। फिर उसके बाद मैंने अपने नेदर रूफ से अपने बंकर तक एक रेलवे सिस्टम बनाया, एंड यहाँ से एक एक करके बहुत सारे विलेजर्स को किडनैप करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे विलेजर्स को नेदर रूफ पे ट्रांसपोर्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम आ चुका था, एंड वो ये था कि यहाँ पे बहुत सारे विलेजर्स आ चुके थे। मैंने जोश जोश में बहुत सारे विलेजर्स को तो लेके आया बट इनको कैसल तक लेके जाना इजी नहीं था क्योंकि यहाँ से एक एक विलेजर को लेके जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता एंड मैं उतना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ थोड़े विलेजर्स को लेके जाऊंगा एंड अपने कैसल पे ही ब्रीडिंग करवाऊंगा। तो इसीलिए मैंने ये किया।
बाद में मैं 8-10 विलेजर को अपने कैसल पे लेके गया। उसके बाद मैंने अपने बंकर से बहुत सारे बेड्स चुराए एंड उनको अपने कैसल पे लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे जितने ज्यादा बेड्स डालूंगा उतने ज्यादा विलेजर्स ब्रीड होंगे। एंड ऐसे ही अपने सारे विलेजर्स यहाँ पे आ चुके थे कि सारे बेड्स लग चुके हैं, कतई ये हॉस्पिटल जैसे लग रहा है। एनीस, अगर तुम लोगों के पास कोई आइडियाज है तो बता देना कि मुझे इंटीरियर में क्या करना चाहिए। तो जल्दी से मैं अपने कैसल का टूर दे देता हूँ। ये रहा अपना कैसल का एंट्रेंस, ऐसे करके अंदर जाते हैं एंड यहाँ पर राइट में एक पाथवे जाता है जहाँ पर एक पॉन्ड है शायद से, यस एक सिंपल सा पॉन्ड। एंड इसके लेफ्ट साइड में एक पाथवे जाता है जहाँ पर एक फाउंटेन है, सिंपल सा फाउंटेन। बाकी ये रहा अपना कैसल का इंटीरियर जहाँ पर हॉस्पिटल्स के बेड्स लगे हैं। इसके ऊपर के फ्लोर में भी हॉस्पिटल्स के बेड्स लगे हैं। एंड ये रहा एक स्टेयरकेस जिससे हम लोग ऊपर के फ्लोर में जा सकते हैं। बाकी ये रहा ऊपर का फ्लोर, यहाँ पर बहुत सारे स्टोरेज के लिए चेस्ट है। एंड ये रहा एक सीक्रेट रूम जो कि सीक्रेट नहीं है। बाकी ये ऊपर का फ्लोर है, यहाँ से हम लोग ओशन का व्यू देख सकते हैं, बहुत ज्यादा मस्त। वैसे एक्चुअली ये ओशन का व्यू हर एक पिलर से देख सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी देख सकते हैं। बाकी यस ये देखने में कुछ ऐसा लगता है। तो यस ये रहा एक एमरल्ड का कैसल जिसको बिल्ड करने के लिए मैंने ऑलमोस्ट 150 डेज स्पेंड करे हैं। होप करता हूँ कि तुम लोगों को ये कैसल पसंद आया होगा। बाकी यस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।